क्या सीएसके प्लेयर्स को किसी की नजर लग गई है क्या? सीएसके पर कोई काला जादू कर दिया है? जो सीएसके पिछले दो मैच लगातार जीतते आ रही थी, वो सीएसके टीम आज दो मैच लगातार हारते आए। पिछला मैच दिल्ली कैपिटल ने सीएसके को हराया, तो आज सनराइजर हैदराबाद ने सीएसके को हराया। सनराइजर हैदराबाद ने आज टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद सीएसके को बल्लेबाजी का मौका दिया, सीएसके तरफ से बल्लेबाजी करने आए रचित रविंद्र, पर वो भी आज कमाल नहीं कर पाए। ऋतुराज गायकवाड वो भी आज कमाल नहीं कर पाए। सीएसके की तरफ से बात की जाए, सीएसके की तरफ से सिर्फ एक ही प्लेयर का बल्ला चला, वो है शिवम दुबे का बल्ला चला। शिवम दुबे ने 24 बॉल में 45 रन बनाया, तो वही अंजिक्य रहाणे ने भी अच्छी पारी खेली, भले ही उन्होंने बड़े बॉल खाए पर अच्छी पारी खेली उन्होंने भी। पर वही हैदराबाद की बात करें चाहे तो हैदराबाद के प्लेयरों ने तो आज कमाल कर दिया। एडम वॉकर ने तो पानी पारी खेली, उन्होंने 50 रन जड़ दिए। और हेनरी क्लेसन की बात करें, सहमाज अहमद की बात करें, सारे के सारे प्लेयर आज कमाल कर दिए हैदराबाद वासी। भले धोनी को देखने हैदराबाद में आज 36,000 आए थे, 36,000 स्टेडियम में भीड़ था धोनी को स्पेशली देखने के लिए, लेकिन धोनी आए तो क्या एक बॉल खेलने के लिए धोनी आए? धोनी ने एक बॉल वेट खाया और एक बॉल में एक रन बनाया। फिर जड्डू भाई ने कुछ नहीं, जड्डू भाई ने तो बहुत बुरा किया, जड्डू भाई ने बहुत बुरा किया, जड्डू भाई ने आज कोई रन नहीं बनाया। डैनी मिचल, ये लोग लग रहा था शॉट ही नहीं लग रहा, ऐसा भी होता है क्या? आप लगातार दो मैच जीतते आ रहे थे, आप लगातार दो मैच हार कैसे गए? ये बात उठ के आती है क्या कोई काला जादू कर दिया सीएसके पे? क्या सीएसके पहले घूस लेने लगे हैं तो हारने लगे? जो टीम जीतते हुए आ रही थी वो एक बैक क्या हो गया मालूम ही नहीं? ये सवाल उठता है, ये सवाल उठना भी चाहिए, क्यों हार रही है सीएसके आके? क्यों आज धोनी भाई ने आज बहुत दिमाग तो लगाया था, आज समीर रिजवी को नहीं खिलाया था, उनकी जगह मोइन अली को खिलाया था, आज नए नए प्लेयरों को मौका दिया था, लेकिन क्या जरूरत? जब आपकी पिछली टीम ही सही चल रही थी तो क्या जरूरत क्या था नए प्लेयरों को मौका देने का? इसलिए लगता है सीएसके टीम आज हारी। सीएसके टीम हार के साथ ही पॉइंट टेबल में नीचे की ओर घसा के भाई हैदराबाद पॉइंट टेबल में नंबर 3 पे आके खड़ा हो गया। हैदराबाद ने 3 मैच जीतकर नंबर 6 पर और 3 मैच जीतकर सॉरी हैदराबाद ने 3 मैच जीतकर 6 पॉइंट के साथ नंबर 3 पे आ गया है। वही बात की जाए सीएसके नंबर 6 पे चली गई है टपक कर, और सीएसके तब से किसी का बल्ला चला नहीं, और सीएसके तब से आखिरी ओवर में जाके मोइन अली ने 2 विकेट लिए, दीपक चहल ने 1 विकेट लिया, महेश थकसाना ने 1 विकेट लिया। वही हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद की तरफ से एडम वॉकर ने 50 रन जड़ दिया, और हैदराबाद की तरफ से बात करें तो भुवनेश्वर ने 1 विकेट लिया, पैट कमिंस ने 1 विकेट लिया, सारे प्लेयर ने हैदराबाद का कमाल कर दिया। ये आज वही स्टेडियम में मैच चल रहा था जिसमें पिछले स्टेडियम में हैदराबाद 277 रन जड़ चुका था, लेकिन क्या आज उसी मुकाबले में उसी स्टेडियम में सीएसके मात्र 165 का ऑल आउट नहीं, मतलब ओवर कंप्लीट हो गया 165 केवल, मतलब इनविजिबल स्कोर 165 से कुछ हो सकता था। जिस स्टेडियम में 277 रन वही प्लेयर वही टीम चला था, आज वही स्टेडियम में सिर्फ 165, तो ये मुकाबला तो आसानी से हैदराबाद जीत ही सकती थी, इसलिए हैदराबाद ने यह मुकाबला को जीत दर्ज कर लिया। और लगता है इस बार आईपीएल 2024 में पैट कमिंस ने कह दिया, जैसे मैंने आईसीसी वर्ल्ड कप टेस्ट वर्ल्ड कप जिताया था ऑस्ट्रेलिया को, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जिताया था ऑस्ट्रेलिया को, वैसे आईपीएल 2024 के ट्रॉफी सनराइजर हैदराबाद को जिताऊंगी अपनी कप्तानी में, उन्होंने प्रण खा के आए, ऐसा ही लग रहा है। आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल 2024 की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। जय हिंद।